गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज दाउद रेमी। सॉरी कि मैंने इतने टाइम बाद वीडियो अपलोड की कुछ इश्यूज की वजह से। अच्छा तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू गेम लेकर आया हूँ जिसका नाम है लास्ट डे रूल सर्वाइवल। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे चैनल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपको गेम प्ले पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो अभी गेम स्टार्ट करते हैं। हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। ये हमारा न्यू कैरेक्टर है अभी स्टार्टिंग वाला। हम अभी डायरेक्ट गेम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इक्विप स्टोन एक्स, जो हमने इक्विप कर लिए है। और दूसरे नंबर पे है चॉप डाउन ट्री, हमें 5 ट्रीज काटने हैं। इसी तरह हमने पहला ट्री काट लिया है। दूसरा ट्री भी काट लिया है। के साथ हमने 5 ट्रीज काट लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बिल्ड बेस करना है। अब हमें एक बेस बनाना है जिसके लिए हमें एक अच्छी सी जगह देखनी है, प्लेटफॉर्म चेक करना है। तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम इधर ही बनाएंगे। तो पहले हमें उसका बेसमेंट बनाना होगा, इतनी ऊंचाई पे सही रहेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, स्टार्टिंग में हम छोटा सा बनाएंगे। ये अब हम बनाएंगे वॉल्स। ये हमने बनाई वॉल, और एक साइड हम छोड़ देंगे मेन डोर के लिए। अब हम यहाँ पे सिंगल डोर लगाएंगे, और उसके बाद हम छत भी बनाएंगे। छत ज़्यादा सही बनाने के लिए हम पहले सीढ़ी लगाएंगे, कुछ इस तरह की सीढ़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें एक स्लीपिंग बैग मिल गया है स्टार्टिंग में ही। अब हमारी छत भी तैयार हो गई है। अब हम जाते हैं नीचे और पहले यहाँ पे एक रूम बनाते हैं, छोटा सा रूम जिसमें हम स्लीपिंग बैग रख सकें। इधर हम लगाएंगे एक वॉल, और दूसरी साइड पे एक डोर। इधर हम अंदर स्लीपिंग बैग प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से, और हमारा एक कैबिनेट भी खुल गया है। हम कैबिनेट में इधर ही प्लेस कर देंगे
हम चलते हैं बाहर। हम पहले बेसमेंट की सीढ़ियाँ लगाएंगे ताकि हमें चढ़ना आसानी हो। ये सीढ़ी कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही है। इसमें हमें छोटी सीढ़ी नहीं मिल रही, इसीलिए शुरू में यही सही है। बाद में हम जाके इसको फिक्स करेंगे। अब इसी तरह चढ़ना पड़ेगा। और ये हमारा छोटा सा वो बेस बन गया है। ये उसके ऊपर की छत। हम यहाँ पे वॉल बना लेते हैं ताकि कोई आ ना सके ऊपर से। तो इधर हम मीडियम साइज की वॉल लगाएंगे। इससे हमारा छत जो है वो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। अब हम चलते हैं अंदर। अब ये कैबिनेट किस चीज के लिए होता है? और इसी के साथ हमें कॉर्ड लॉक भी मिल गए हैं। तो यानी कैबिनेट में हम अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल कोड करते हैं। कोड हम आपको दिख। इसी के साथ हमें एक लो वर्क बेंच मिल गया जिसे हम प्लेस करते हैं किसी कॉर्नर में। इधर हमें एक रेसिपी सिंपल रिवॉल्वर यूज़ करते हैं। बैग में चेक कर रहा हूँ रेसिपी। अब हम यूज कर रहे हैं रेसिपी को। और अब हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे रिवॉल्वर। ये हमने की क्राफ्ट रिवॉल्वर। यहाँ पे हम क्लॉथ्स भी क्राफ्ट कर सकते हैं। हमने अभी सिंपल क्लॉथ्स क्राफ्ट किए हैं। फिर आगे जाके जब हम ये गेम सीख लेंगे पूरी तरह से तो हम इसमें अच्छे क्लॉथ्स रिवॉल्वर वेपन्स बनाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं बाहर। रात हो गई है। हमें कॉटन हमें चाहिए। कॉटन टॉप। कहाँ मिलेगा हमें कॉटन? फिलहाल हमें कॉटन नहीं मिल रहा तो हम सुबह के वक्त कॉटन ढूंढने के लिए जाएंगे। तो हम थोड़ा वेट करेंगे सुबह होने का। तब तक हम अपने घर के अंदर का एरिया ठीक करते हैं। और इधर भी हमें कोड इंस्टॉल करना है।
ये वाला कोड भी हम आपको दिखाएं। अब हमारे इस पे कोड लग गया है। अब कोई स्ट्रेंजर आएगा तो उससे कोड मांगेगा, कोड के बगैर डोर ओपन नहीं होगा। वुड्स उठा लेते हैं, उसको वुड्स थोड़ी सी वुड्स दे देंगे, अपने पास थोड़ी रख लेंगे। 22 वुड हमने अपने पास रख दी, बाकी हमने उसको दे दी कैबिनेट को। तो अब हम ऊपर जाके चेक करते हैं, काम करते हैं हम ये वॉल्स हटा के। इधर बड़ी वॉल्स लगा देंगे, फुल साइज की वॉल्स। हमारे पास वुड नहीं है, हम पहले जाते हैं कैबिनेट से वुड्स उठाते हैं। जैसे कि हमने सारी वुड्स उठा ली हैं, कैबिनेट में अभी लैक ऑफ मटेरियल आ रहा है, लेकिन है ना, हम जैसे ही वॉल्स बना लेंगे जो बची होंगी वुड्स वो हम आके कैबिनेट में रख देंगे। तो अब हम बनाते हैं वॉल्स फुल साइज से, ताकि हम एक डोर लगा सकें छत पे आने जाने का। और इधर हम लगाएंगे एक डोर, सिंगल डोर। अभी हमारे पास कोड नहीं है तो हम बाद में कोड इंस्टॉल करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इधर भी जा सकते हैं। और हमने सीढ़ी उल्टी लगाई है तो इसको पहले सीधा करना पड़ेगा। पहले हम इसको डिमोलिश करते हैं, उसके बाद हम सीढ़ी लेते हैं। अब हम इस सीढ़ी से छत पे जा सकते हैं और हम यहाँ पे जंप करके ऊपर जाएंगे। तो हम यहाँ पे अपना जो आगे सामान मिलेगा थोड़ा सा वो रखेंगे। अब हम जाते हैं रेसिपीज़ में, कुछ ढूंढते हैं। जैसा कि यहाँ पे है वुडन बॉक्स, वुड स्टोरेज, हम इसको क्राफ्ट कर लेते हैं। 7 सेकंड्स के बाद ये हमारे बैग में आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे ऊपर प्लेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे बैग में आ गए, हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लेस किया। हम इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमने चीज़ें रखी। अब हमारा शॉर्टकट बार खाली हो गया, हमने वापस उठाई चीज़ें और हम अभी क्लॉथ्स इक्विप्ड करते हैं। इक्विप्ड उसी के साथ हमें एक वुड क्लब मिल गया, जो हमारी मदद करेगा चीज़ें तोड़ने में। और अब हम और रेसिपीज चेक करते हैं। और ये यहाँ पे तो हम फंस ही गए, हम चेक करते हैं हम और क्या बना सकते हैं। और हम कैंप फायर भी बिल्ड कर सकते हैं। अब हमारे शॉर्टकट बार में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये रहा, अब हम इसको कहाँ पे प्लेस करें, इधर प्लेस करेंगे। अब हम इसको यूज़ करते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि इसमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इसमें अच्छा यानी हम फूड कुक कर सकते हैं। तो हम अभी इसमें वैसे इसमें फायर जलाएंगे चेक करने के लिए। इसमें हम डालते हैं 10 वुड्स और हम लगा
का दोस्त मेरा बंदा मैं आपको वार्म कर रहा हूँ बाहर जाते हैं कुकिंग कर लाते हैं मशरूम्स जैसे कि मैप में दिखा रहे हैं मशरूम्स हम चलते हैं मशरूम ढूंढने इसी के साथ हमें दो मशरूम्स मिल गए हैं हमने किया गैदर और ये टोटल चार मशरूम हम वापस अपने घर जाएंगे और ये हमने डोर ओपन किया हमें फिर चढ़ना पड़ेगा ऊपर डोर क्लोज किया और हम यहाँ पे आके कैंप फायर को यूज़ करेंगे और उसमें हम मशरूम्स कुक करेंगे इसको वुड चाहिए वो कुक करने के लिए हमें वुड चाहिए फ्यूल के तौर पर हमें इसको यूज़ करना होगा मैं इस बार मैं डालता हूँ 20 वुड्स अब मैं करूँगा कुक 19 सेकंड में 18 सेकंड में ये फूड कुक हो जाएगा और ये 1 मिनट समथिंग सेकंड तक ये जल सकता है तो फूड कुक होने के बाद हम फूड उठा लेंगे और हम चेक करते हैं कि हम और क्या क्या बना सकते हैं जिससे कि हम फर्नेंस बना सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें वुड्स चाहिए होंगे 200 स्टोन्स 100 वुड्स और 30 फ्यूल्स फ्यूल के कैंस तो हम चलते हैं बाहर और कुछ ट्रीज कट करते हैं साथ हमने एक पेड़ काट लिया है छोटा सा हमने दूसरा पेड़ भी काट लिया है हम पतले पतले पेड़ काटेंगे गाइस बहुत ही जल्दी सुबह हो रही है और इतने कम टाइम में ये फिर रोशनी हो रही है सूरज किधर है सूरज बाद में देखने को मिलेगा पहले हम जाते हैं स्टोन्स तोड़ते हैं और यहाँ पे हम इसी के साथ पहला स्टोन मिल गया और कहा ये क्या सामने किसी का बेस है चेक करते हैं उसके बेस को और ये उसने अपग्रेड कर करके आयरन का बना दिया है वो बंदा हमारे ऊपर ना आ जाए ये जैसे आप देख सकते हो उसने पासवर्ड वो किया है इंस्टॉल किया तो अब हमें पासवर्ड पता नहीं ये उसका बेस अब हम जाते हैं अपना सामान ढूंढेंगे हम पहले ढूंढेंगे स्टोन हमें ढूंढना है एक आयरन माइन और एक सल्फर माइन इसीलिए हमें सल्फर माइन तो मिल गया लेकिन इसके बाद हमें एक आयरन माइन ढूंढना है सल्फर माइन तोड़ दिया और अब ढूंढना है आयरन माइन आयरन माइन मुझे ऐसा लगता है ये आयरन माइन है और गाइस ये आयरन माइन ही है हमने आयरन माइन भी तोड़ लिया है एक आयरन माइन रुका है बंदा
Bunda bunda. Öfke bota. Gaz bot. Ne gaz bota yok kokart remedini. Bot. Pakka bot. गाइस ये हमें शुरू में बहुत अच्छा खासा लूट मिल गया है जैसे कि आप देख सकते हैं आयरन माइन सल्फर माइन बहुत चीजें मिल गई और हमें एक आयरन प्लेट भी मिला है अब हम ढूंढते हैं बेरीज को और अगला बंदा मुझे लगता है पक्का बात है इससे भी हमें बहुत अच्छा खासा लूट मिल चुका है अब हम अपने घर वापस जाएंगे हमारा घर काफी दूर आ गए अपने घर से तो गाइस मैं अपना घर यहां से नहीं दिखता गाइस वो रहा सामने हमारा घर बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है अब बड़ा होते जा रहा है ये हमारा घर अब अंदर जाएंगे अब हमें क्या बनाना था हमें एक फाइनेंस बनाना है जिसके लिए हमें चाहिए फ्यूल हमने हमें जो सामान मिला है वो पहले हम बॉक्स के अंदर रख लेंगे जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं हमें बहुत अच्छा खासा लूट मिला है शुरू में ही तो हम रिवॉल्वर भी रख देते हैं और हम वुड रख देंगे 2000 स्टोन्स रख देंगे सल्फर माइन आयरन माइन सब कुछ रख देंगे और ये सामान अपने साथ ले लेंगे हमारा फूड भी कुक हो गया होगा जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस हमारा फूड कुक हो गया है हम ये भी ले लेंगे अपने साथ और हम गाइस इसी के साथ हमें अभी गेम एंड करना होगा और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको गेम प्ले कैसा लगा सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और अभी के लिए बाय